गाइस हमारे सेथ फ्रीकिंग रोलिस ने एक नया रिकॉर्ड सेट कर दिया। और गाइस इसके अलावा हमारे कोडी रोड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी रिन्यू हो चुका है। और गाइस इसके अलावा हमारे दारोक ने भी हिंट दिए रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस के वेज के साथ। तो गाइस क्या है पूरी न्यूज़ आपको बताएंगे, वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो गाइस जो हमारे सेथ फ्रीकिंग रोलिंस है उनका वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रेन हमारे लास्ट मई से चल रहा है जब से वो चैंपियन बने। और गाइस उसके बाद से उन्होंने 12 पीपीवी के अंदर मेन इवेंट किया है। गाइस ये रिकॉर्ड इतना बड़ा आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि गाइस इस साल की है तो जो जितने भी पेपर व्यू हैं गाइस उसके अंदर हमारे रोमन रेंस अवेलेबल नहीं थे, नहीं तो रोमन रेंस के नाम पर सबसे ज़्यादा मेन इवेंट का रिकॉर्ड रहते हैं। पर गाइस इस साल WWE ने कुछ अलग किया है, क्योंकि गाइस WWE ने इस बार है ना 12 पेपर व्यू के अंदर हमारे सेथ फ्रीकिंग रोलिंस को एज अ मेन इवेंट सुपरस्टार रखा है। भले ही वो तुम बोल तो ग्रुप में हो या सिंगल में अपना टाइटल डिफेंड करा हो, मतलब कि उन्होंने करीबन तक 10 से 11 बार तो अपना सिंगल में टाइटल डिफेंड करा। और गाइस शायद एक बार सर्वाइवर सीरीज के अंदर ग्रुप के अंदर थे, पर गाइस वहां पर भी उन्होंने की टीम ने ही मेन इवेंट करा था। तो गाइस इसके बाद तो क्लियर हो चुका कि हमारे जो रोमन रेंस के बाद नेक्स्ट बड़ा सुपरस्टार हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस बनने वाले हैं, ये बिल्कुल क्लियर एंड कट केस है। और गाइस इसके बावजूद हमें पता चल चुका है कि हमारे जो डे वन के अंदर हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस हमारे ड्रू मैकइंटायर का मैच भी होने वाला है। और गाइस इस मैच के अंदर हमें कोई भी कंफर्म तो नहीं है कि कौन विनर निकल के आने वाला है, पर गाइस सुनने में यही र्यूमर आ रहा है कि जो हमारे सेथ रॉलिंस वर्सेस हमारे सीएम पंक का मैच प्लान कर रही है WWE हमारे रेसलमेनिया 40 के अंदर। तो गाइस उसको देख के तो यही पता चल रहा है कि अभी हाल फिलहाल में सेथ रॉलिंस अपना टाइटल नहीं हारने वाले, क्योंकि गाइस वो मैच है ना वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप से कम का हो भी नहीं सकता, क्योंकि गाइस वो काफ़ी बड़ा हाइप मैच होने वाला है। सो गाइस देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि अब क्या होने वाला है उनके नेक्स्ट फ्यूचर में। सो गाइस इसके अलावा चलते हैं हमारी कोडी रोड्स की न्यूज़ की तरफ। तो गाइस कोडी रोड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट था गाइस वो उन्होंने रिसाइन नहीं किया था, बट गाइस अभी जो क्यू न्यूज़ निकल के आ रही है उसके हिसाब से है ना हमारे कोडी रोड्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अक्टूबर के अंदर ही साइन हो चुका है। और गाइस अभी इसकी डिटेल कुछ भी रिवील नहीं हुई है, बट गाइस WWE के हिसाब से है ना हमारे कोडी रोड्स का अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। ये WWE की ऑफिशियल कोई भी न्यूज़ नहीं है गाइस, ये डेव मेलदर की रिपोर्ट के हिसाब से निकल के आ रहा है। और गाइस इसके हिसाब से जो हमारे कोडी रोड्स है वो भी हाल फिलहाल के अंदर WWE के अंदर ही रहने वाले हैं। और गाइस वो रॉयल रंबल के पहले पार्टिसिपेंट भी होने वाले हैं, ये पहले ही उन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो इसके बाद तो भैया कुछ भी हो सकता है, बट गाइस ये तो बिल्कुल क्लियर है कि WWE की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हमारे कोडी रोड्स ही होने वाले हैं। और गाइस इसके ऊपर से हमारे TKO बिल्कुल उनके ऊपर दबाव बना के रखा है, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी हमारे कोडी रोड्स को साइन करना ही है, क्योंकि गाइस उनको काफ़ी दिनों से बिल्डअप दे रही है। और गाइस इसके बाद कभी वो अपनी कंपनी छोड़ देते हैं तो गाइस ये बिल्डअप पूरा बर्बाद ना हो जाए, इसकी वजह से है ना सबसे पहले हमारी कोडी रोड्स को ही साइन किया WWE ने। और गाइस उनका जो भी है तो जो भी क्लोज वगैरह है या जिस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है गाइस वो अभी क्लियर नहीं हुआ है, पर गाइस इसकी जब भी क्लियर रिपोर्ट मिलेगी आपको बताएंगे जरूर हमारे चैनल पर। सो गाइस इसके बाद चलते हैं हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ की तरफ। तो गाइस जो हमारे दारोक है गाइस उनका हाल ही में एक पॉडकास्ट हुआ था, और गाइस इसके अंदर उन्हें मैट मैकफी के शो में आखिरी बार दिखने को मिले थे हमें WWE स्मैकडाउन 15 सितंबर के अंदर। और गाइस इसके बाद से हमारे दारोक बिल्कुल गायब चल रहे हैं। और गाइस ज़्यादातर र्यूमर यही निकल के आ रहा है कि हमारे दारोक वर्सेस रोमन रेंस का जो मैच होने वाला था गाइस वो अब बिल्कुल ब्लॉक होल में जा चुका है, और गाइस ये मैच बिल्कुल नहीं होने वाला। बट गाइस अभी हमारे दारोक ने अपना एक सोशल मीडिया पर हल्का सा एक हिंट दिया है, और गाइस इस हिंट के हिसाब से तो देख के यही लग रहा कि हमारे दारोक है ना रेसलमेनिया 40 में हो सकते हैं, क्योंकि गाइस उन्होंने अभी हिंट में ये भी बताया अपने पॉडकास्ट के शो में कि गाइस जो हमारे दारोक हैं उनका है ना रेसलमेनिया 39 में मैच बिल्कुल फिक्स था हमारे रोमन रेंस के साथ। बट गाइस जो प्लानिंग थी वो बिल्कुल उस तरीके से जा नहीं पाई, और गाइस सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा कोडी रोड्स निकल के आए थे, इस वजह से हमारा दारोक का जो उस टाइम पर मैच हो नहीं पाया। पर गाइस अब रेसलमेनिया 40 में उनका मैच हो भी सकता है और गाइस नहीं हो सकता, ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने बताया नहीं है। बट गाइस जिस तरीके से उन्होंने बात करी उसके हिसाब से देख के यही लग रहा है कि हमारे दारोक से रोमन रेंस के भी चांसेस बन रहे हैं रेसलमेनिया 40 में। पर गाइस जो भी होगा आपको बताएंगे हमारे चैनल पर। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए हमारे चैनल रसल अल्टीमेट को ऐसी और वीडियो देखने के लिए।